नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पंजाब की मान सरकार ने एक बार फिर पंजाब की आम जनता को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर पंजाब सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार यानी केजरीवाल की जो है सरकार है, भगवत मान मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े बड़े वादे करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता का हाल इन्होंने बेहद बेहाल के रखा है। रात 12 बजे के बाद इन्होंने, आपको बता दें कि नया वैट ये लेकर आए हैं, जहां पर 1 रुपया इन्होंने पेट्रोल और डीजल जो है पंजाब में अब इन्होंने महंगा कर दिया है, और रात 12 बजे से ही बढ़ी है ये कीमतें, इसे लागू कर दिया गया है। तो पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है, और भगवत मान सरकार ने पंजाब की आम लोगों को वैट से ये बड़ा झटका दिया है। अब इसके चलते प्रदेश में पेट्रोल के दाम 98.65 रुपीज पर लीटर हो गया है, डीजल के दाम बढ़कर 105.24 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी बढ़त जो है देखने के लिए मिल रही है, और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब लगातार पंजाब की मान सरकार द्वारा इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। जबकि इसके उलट केंद्र सरकार ने 2 बार ऑलरेडी वैट जो है अपनी तरफ से कम कर दिए, ताकि लोगों को, जनता को जो है पेट्रोल डीजल के प्राइस में राहत मिले, लेकिन राज्य की सरकार इसे मानने को तैयार ही नजर नहीं आ रही। तो पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए वैट बढ़ा दिया है, और रात 12 बजे से बड़ी कीमतों को लागू भी करवा दिया है। अब पंजाब में पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो है अब बढ़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को मनसा में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी, हालांकि इस बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। देर रात गुपचुप इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि फ्री का वादा करके सत्ता में आई केजरीवाल सरकार लगातार जो है पंजाब की आम जनता को जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो इससे पहले कांग्रेस की चन्नी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया था, लेकिन यहां पर तो चुपचाप वैट बढ़ा दिया गया, रातों रात बढ़ा दिया गया, और इसे लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो बता दें कि पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर करीब 1 रुपया वैट बढ़ा दिया, रात 12 बजे बढ़ी हुई कीमतों को लागू भी कर दिया। सरकार के इस फैसले की जो भनक है, ये भनक भी किसी को नहीं लगी, और सूत्रों के मुताबिक जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें इस फैसले को मंजूरी मिल गई। हालांकि सरकार या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पेट्रोल वैट दर में करीब 1.8% की बढ़ोतरी की गई, इसमें पेट्रोल प्रति लीटर 92 पैसे महंगा हो गया है, जबकि डीजल वैट दर में 1.13% बढ़ोतरी होने से 90 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस दर में 10% सरचार्ज भी शामिल है, जिसमें इसमें आपको बता दें कि मोहाली में जहां प्रति लीटर पेट्रोल 98.3 रुपीज मिलता है, तो अब वह बढ़कर 98.95 रुपीज हो गया है, जबकि 88.35 रुपीज मिलने वाले प्रति लीटर डीजल की कीमत 89.25 रुपीज हो गई है। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट के जो है वैट के दाम घटाए थे, और इसके बाद पेट्रोल दाम जो है प्रति लीटर 10 रुपए और डीजल के दाम में प्रति लीटर 5 रुपए जो है कम हुए थे, और उस दौरान डीजल पर 9.92% और पेट्रोल पर 13.70% जो है वैट कम किया था। तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था कि बीते 70 सालों में पंजाब में पेट्रोल डीजल का दाम इतना कम कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि कभी भी एक साथ 10 रुपए कम नहीं हुए थे। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े वादे करती, झूठे वादे करती रहती है, उन्होंने अब जनता को किस तरीके से बड़ा शॉक दिया है। यही नहीं, जहां पर केंद्र सरकार 2 बार ऑलरेडी वैट कम कर चुकी है, उसके बावजूद यहां पर 2 बार पंजाब सरकार द्वारा ये वैट बढ़ाए गए हैं। तो अब देखिए, पंजाब में तेल महंगा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल की बातें, उनके जो बयान है वो बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में ये वैट उन्होंने बढ़ा दिया है, और इस वैट से पंजाब सरकार जो है वो अब आप देख सकते हैं कि बेनकाब हो चुकी है। 90 पैसे फिर से इन्होंने जो है बढ़ाए हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी जो है सवाल कर रही है, जनता भी इस मामले को लेकर सवाल दागती नजर आ रही है। तो बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला ने अपना एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए उस खबर, यानी पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वैट है उसमें बढ़ोतरी करने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, वाह जो है हिपोक्रेसी, देखिए पूरे देश में महंगाई का ढिंढोरा पीटेंगे, अपने अपने राज्य में वैट या बिजली दाम बढ़ा देंगे, हिमाचल में कांग्रेस ने बढ़ाया और अब आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में वैट बढ़ाया, ताना बीजेपी को मारेंगे, जबकि हमारी सरकार ने दो बार
बार सेंट्रल एक्साइज को कम किया है। कांग्रेस बिजली टैरिफ बढ़ाती रही और गाली केंद्र को देंगे। अब देखिए कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में फिर केंद्र सरकार से बिजली की भी मांग भगवत मान जो है कर रहे थे, और अब यहाँ पर इनकी अगर बात देखें तो यहाँ पर अब इन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में भी वैट बढ़ा दिया है। और जैसा कि आपको बता दें कि पहले ही पेट्रोलियम जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी ने, उन्होंने भी ये बात कही थी कि केंद्र अपने तरफ से घटाती भी है तो ये राज्य के हाथों में है कि वो वैट के साथ क्या करते हैं, वो क्या चार्जेस जो है उस पर लिवाई करते हैं, यानी क्या चार्जेस उस पर लगाते हैं, और राज्य सरकार जो अपने अनुसार वैट जो है वसूलती है। यानी साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि उन्होंने राज्य से पूरी तरीके से एक रिक्वेस्ट भी किया था कि हम अपने तरफ से वैट कम कर रहे हैं, आप अपने तरफ से कम करिए, लेकिन इसके बावजूद कई सारे विपक्ष शासित राज्य थे, चाहे वो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल हो, और भी आप देखिए कि कई जगहों पर, तो वहां पर वैट जो है इन्होंने कम करने से मना कर दिया था, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा राजस्व जो है राज्य सरकार उठाती है और उसमें कई सारे लिवाई जो है अपने चार्जेस करती है जिससे उन्हें मुनाफा होता है, और ये मुनाफा काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे अपने हिसाब से यहाँ पर भी अपने मनमानी तरीके से इन्होंने चार्जेस जो है बढ़ा दिया है, जो ये बता रहा है किस तरीके से आम जनता को ये लूट रहे हैं, लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर ये बेनकाब हो चुके हैं। बता दें कि जब इन्हें सरकार बनानी थी पंजाब में, यही अरविंद केजरीवाल खड़े होकर 7 गारंटी पंजाब की जनता को दे रहे थे, कह रहे थे कि जो कमीशन आप देते हो बिजनेसमैन को वो खत्म कर देंगे, हम रेड राज हफ्ता सिस्टम गुंडा राज खत्म कर देंगे, हम जितना भी वैट है 6 महीने में उसका रिफंड कर देंगे, 24/7 पावर सप्लाई देंगे, ग्लोबल पोर्टल देंगे, आपको ट्रेड के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देंगे, फोकल पॉइंट और फिक्स इंफ्रा में भी आपको जो है मदद देंगे। सिक्योरिटी की बात तो आप छोड़ दीजिए, मान सरकार बनने के बाद कितनी हत्याएं हुई उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। वैट की बात ये कम करने की करते थे, रिफंड करने की करते थे, वैट इन्होंने दोबारा बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई की बात 24/7 कर रहे थे, स्टार्ट में इन्होंने शुरुआत में बिजली नहीं दी, गर्मी के मौसम में बिजली नहीं दी, जब बिजली दी तो उस पर फिर उन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि जो है चार्जेस और अपने जो है क्राइटेरिया लगा दिए। अब इनके पास बिजली देने के लिए भी नहीं है, अब इसके लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि हमें बिजली जो है प्रोवाइड कराइए, हमारे पास शॉर्टेज हो रहा है क्योंकि हमें अभी जो है पैडी सीजन आ चुका है और सारे काम जो है करने हैं। तो साफ तौर पर जो गारंटी इन्होंने दी पंजाब की जनता को, केजरीवाल द्वारा जो गारंटी दी गई थी 7 गारंटियां, इनमें से किसी पर भी वो काबिज नहीं हो पाए, और जब सत्ता में आ गए तो इनका झूठ भी जनता के सामने बेनकाब हो गया कि किस तरीके से भोली भाली जनता को इन्होंने बरगलाया, झूठी कहानी जो है बताई और उसके बाद इस तरीके से इन्होंने सारी चीजें की है। लोग इसमें लिख रहे हैं 90 पैसा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, लोगों ने इस पर अब प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, लोग लिख रहे हैं। एक और जो आपको बता दें कि ट्वीट जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो वही लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर देखने के लिए मिल रही है, लोग उनका पुराना टाइम्स का वो चीजें भी जो है बोलदा काम बोलदा करके भी लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका काम नहीं बोलता है, महंगाई जो है बोल रही है, इन्होंने महंगाई से आम जनता का हाल जो है खराब कर दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया भी है, लोग इनके पुराने पुरानी चीज़ें लिख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लिख रहे हैं कि फ्री रेवड़ी की कीमत किसी को तो चुकानी ही होगी, तो यानी जनता ही फ्री रेवड़ी की जो कीमत है वो चुकाएगी। तो अब यही सारी चीज़ें, अब कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जब वैट जो है अगर नहीं ये बढ़ाएंगे तो आखिर में ये फ्रीबीज कैसे बांटेंगे, जो फ्री फ्री का सामान वैसे है कुछ भी तो फ्री आता नहीं है, तो उसका पेमेंट करने के लिए वैट बढ़ाएंगे, अलग अलग तरीका निकालेंगे, यानी एक जगह फ्री देने के लिए दूसरी जगह से जो है पैसा इकट्ठा करेंगे, जैसा कि ये खुद कहते थे सड़ा काम बोलदा भगवत मान। तो इसी पे तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला, उसके बाद बीजेपी नेता हरीश खुराना का भी ट्वीट जो है सामने आया है, उन्होंने लिखा है लो जी भगवत मान और अरविंद केजरीवाल के पंजाब की जनता को तोहफा, भ्रष्टाचार करने के लिए और पैसा भी तो चाहिए। तो अब देखिए किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, पंजाब में वैट बढ़ा दिया गया है, आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।